हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जो भी नए वीज़ास ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल, और स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करते हैं आपके साथ में वीडियो के दौरान। सो मेरे साथ हैं आज वैसे ही एक स्टूडेंट जिनका नाम है हर्ष। इनका वीज़ा आया है ऑस्ट्रेलिया का। क्या प्रोफाइल है इनका और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इनका और कब ये ट्रैवल करने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप भी इस वीडियो का पार्ट बने रहें। हो सकता है कि इनकी प्रोफाइल से आपको कुछ एक पॉइंट्स मिल सकें कि अगर आप प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाना तो आपको किस तरह से अपनी प्रोफाइल जो है असेस करवानी चाहिए। सो वेलकम करेंगे हर्ष का। वेलकम हर्ष, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और पूरी फैमिली को आपकी। सो हर्ष, सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी मैं कि आपका जो प्रोफाइल था वो क्या था, उससे पहले आप स्टूडेंट को बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम हर्ष है। राइट, और जो प्रोफाइल है आपका, जिस प्रोफाइल के ऊपर आपने अप्लाई करवाया, वो क्या प्रोफाइल है आपका? मैंने 10th 2017 में की थी, उसके बाद मेरी 12th 2019 में कंप्लीट होनी थी, पर उस मेरी 2019 में केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आ गई। ओके, बट मैंने 2020 में से क्लियर किया। और उसके बाद मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया जिसमें मुझे ओवरऑल 60 स्कोर किया। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि 17 में 10th हुई और उसके बाद में वैसे 19 में प्लस टू कंप्लीट होनी चाहिए थी, बट आपकी कंपार्टमेंट आ गई प्लस टू में, और प्लस टू में 19 में कंपार्टमेंट आई है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, और उसके बाद में इन्होंने रीअपेयर करके 20 में अपना प्लस टू क्लियर किया है। जिसका ये मतलब है कि स्टूडेंट के प्रोफाइल पर गैप है, और आई नो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके प्रोफाइल पर गैप होता है प्लस वन और प्लस टू के बीच में। तो वो स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जब स्टूडेंट अपना खुद एक्सपीरियंस बताते हैं कि उनका कंपार्टमेंट था और कंपार्टमेंट के बाद में उन्होंने अपना प्लस टू कंप्लीट करके उसके बाद में अपना वीज़ा जो है वो रिसीव किया है। इसी के साथ में अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ हर्ष, तो परसेंटेज क्या रहे हैं आपके? 10th मेरे 8.4 CGPA था, और मेरा 12th मैंने नॉन मेडिकल से की थी जिसमें मेरे 69% ओवरऑल रहा है आपका। सो 69% रहा है जब 20 में इनका क्लियर हुआ प्लस टू। सो आपके लिए ये लेसन है स्टूडेंट्स कि अगर आपके भी 10th प्लस टू के बीच में गैप है और जस्टिफिकेशन है आपके पास में, जैसे कि इनके पास में जस्टिफिकेशन थी कि इन्होंने एग्जाम दिया था बट क्लियर नहीं हुआ, उसकी वजह से 20 में क्लियर हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी एम्बेसी चांस देती है और वीजाज भी ग्रांट करती है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ आपके 2020 के बाद, तो आपने क्या किया था और उसमें गैप में आपका क्या जस्टिफिकेशन हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। राइट, सो जो और भी स्टूडेंट हैं 2020-21 पास आउट, बेसिकली मैं 21 पास आउट स्टूडेंट्स की बात करूंगी यहाँ पर, बिकॉज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जो डिमांड है वो 21 पास आउट स्टूडेंट्स को अब ज़्यादा है, तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई करवा सकते हैं अपकमिंग इनटेक्स के लिए, मिनिमम 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 के साथ में। अगर आप PTE के साथ में अप्लाई करवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो PTE के साथ में भी आप अप्लाई करवा सकते हैं, मिनिमम 51 ओवरऑल नॉट लेस देन 42 के साथ में। इसी के साथ हर्ष, आपसे मैं ये भी पूछूंगी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका थ्रू आउट, जब तक वीज़ा नहीं रिसीव हुआ आपका? मेरा ठीक एक्सपीरियंस रहा, और मैंने मेरा 1 month के अंदर मेरा वीज़ा आ गया। विदिन अ मंथ जो है हर्ष का वीज़ा आया है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल्स में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर, समटाइम्स बहुत अच्छी प्रोफाइल्स में भी टाइम लग जाता है, समटाइम्स अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और एम्बेसी के ऊपर कि कितना जल्दी आपका प्रोसेस होता है। सो ये एग्जाम्पल है आपके सामने, इनका विदिन अ मंथ जो है वीज़ा ग्रांट हुआ है। इसी के साथ में हर्ष, क्या एडवाइस देंगे आप अपने जैसे और स्टूडेंट्स के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको भी अपनी ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगवानी है, स्टडी वर्ल्ड जरूर विजिट करें और अपना वीजा ले। थैंक यू सो मच हर्ष। आई नो कि आप नर्वस बहुत ज़्यादा हैं, आप चाह भी नहीं रहे थे कि वीडियो बने, बट आई नो क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो होते वो फेमिलियर नहीं होते, कंफर्टेबल नहीं होते कैमरा के सामने, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ में, तो वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। सो ये है मेरे पास में हर्ष का वीज़ा। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन हर्ष। तो जितने भी और स्टूडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करवाना चाहते हैं आफ्टर प्लस टू, आफ्टर ग्रेजुएशन,
सिंगल या स्पाउस केस या फिर टूरिस्ट वीजा डेफिनेटली आप अप्लाई करवा सकते हैं स्टडी वर्ल्ड के थ्रू। तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करें जल्द से जल्द और नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में विजिट करें और ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना पूरा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।